राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री विष्णु पुराण की कथा का 19वें अध्याय का शेष और 20वां अध्याय। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरी सुने, पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री प्राशर जी बोले, यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रह्लाद के वक्ष स्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विप्रचिते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भले प्रकार नाग पाश से बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे। हमने इसे बहुत तेरे रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किया जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है, श्री प्राशर जी बोले। तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रह्लाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जल पूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी और से खुला ना रखकर सब और से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, ना यह शास्त्रों से कटा, ना सर्पों से नष्ट हुआ और ना वायु विष और कृत्य से ही क्षीण हुआ, तथा यह मायाओं से ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से भी मारा नहीं गया। यह बालक अत्यंत दुष्टचित है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्षों तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रह्लाद बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है, हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है, हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है, गो ब्राह्मण हितकारी ब्रह्म ने देव भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, जगत हितकारी श्री गोविंद को नमस्कार है, आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं, ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सब के परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य, विष और अमृत हैं। आप ही वेदोक्त परवृत्त और निवृत्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं। सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं, वे सब आप ही हैं। हे प्रभो, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूची का व्याप्ति हो रही है।
योगीगण आप ही का ध्यान धरते हैं और याज्ञिकगण आप ही का यजन करते हैं तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। इससे सूक्ष्म यह संसार है, इससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उनमें भी जो अंतर आत्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविश्य आपका कोई अचिंत्य परमात्म स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रय पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपनी को नमस्कार है जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है। उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, जो स्वयं सबसे अतिरिक्त है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को ना जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है जो ईश्वर सब के अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभ अशुभ कर्मों को देखते हैं। उन सर्व साक्षी विश्व रूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वदा अभिन्न है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। हे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सब के आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सब के आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, वे ही मेरे रूप से स्थित है, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही वह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्मधार परमात्मा हूँ। मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे 19वां अध्याय। 20वां अध्याय प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री प्राशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप में ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्रहागण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत और वन उपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंक कर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन महाबुद्धिमान ने मन वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे स्थूल सूक्ष्म, हे क्षर अक्षर, हे व्यक्त अव्यक्त, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मा, हे गुणस्थित, हे मूर्ते अमृत रूप महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ते,
हे प्रकाश, प्रकाश स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे रूप उद्भव स्थान और सद सज जगत के पालक, हे नित्य अनित्य प्रपंच आत्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एक अनेक रूप आदि कारण वसुदेव आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और सुफुट प्रकाश में है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूत आदि से परे हैं, विश्व के कारण ना होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। शिव भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिस में भी जाऊं, उसी में ही अच्युत आपने मेरी सर्वदा अक्षुण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांध कर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया, तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिता ने मेरे साथ किए, वे सब आप में भक्ति रखते हुए पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभो, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभो, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है, फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रे, ऐसा कह भगवान उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यक्षिपु ने, जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वे महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर हृदय से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुशा करने लगे। हे मैत्रे, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षय कारिणी राज्य लक्ष्मी बहुत से पुत्र पोत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्म अधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रे, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भगत महामणि दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है,
उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रे, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित के सुनने या पढ़ने से दिन रात के किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे 20वां अध्याय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।